मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का YouTube Facebook लाइव कंप्यूटर क्लासेस के वीडियो क्लासेस में। और मैं हूं सांसर, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टेली ईआरपी 9 विद जीएसटी कोर्स को लेकर। तो आज की जो क्लासेस होगी, आप सभी बच्चे से हम बात कर रहे हैं, आज की जो क्लासेस होगी उस क्लासेस में क्या है कि एक तो सबसे पहला चीज मेजर्स ऑफ यूनिट्स, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप्स और स्टॉक कैटेगरी। क्या बात होगी? इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर एक मेजर ऑफ यूनिट्स, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, ये चीज की बात होगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टैली को ऑन कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि टैली को ऑन कर लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग टैली, क्योंकि काम जब हमको करना पड़ता है तो कहां पे करना पड़ता है, टैली पे ही काम करना पड़ता है। अदरवाइज किसी चीज में तो काम करना नहीं पड़ता है, टैली पे ही काम करना पड़ता है। आपको मालूम है या नहीं? और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पीसेस को हम लोग क्या किए हैं, बॉक्स पे कन्वर्ट किए हैं। और कन्वर्ट किए किसके अंदर, पीसेस को भी बॉक्स पे और बॉक्स को भी पीसेस पे, है ना? ये भी है। तो इसको भी आपको समझ के चलना है, किसको किसको समझ के चलना है। एक तो बॉक्स को कन्वर्ट किए हैं पीसेस पे और पीसेस को कन्वर्ट किए हैं बॉक्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, थोड़ा गौर कीजिएगा आप सभी छात्र से जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एक चीज अगर छूट गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। जब बॉक्स और पीसेस की बात आ जाएगी, अगर पीसेस की बात आ जाती है तो सिंपल यूनिट्स बनता है, मगर बॉक्स की बात आ जाएगी तो बॉक्स में कितने पीस, एक बॉक्स में अगर 12 पीस है तो इसमें आ जाएगा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब नाप तोल इकाई, नापना जोखना। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, नापना जोखना, ये होता है ना, क्या होता है, नापना। बॉक्स की बात आ जाएगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी को बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपनी को हम लोग बंद कर दिए, राइट, कंपनी बंद हो गई और एक कंपनी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम, एक कंपनी बॉक्स नाम की कंपनी बना लें, बॉक्स वर्सेस पीसेस नाम की एक कंपनी है, बॉक्स वर्सेस पीसेस की, है ना। जब हम कंपनी बना लेते हैं तो कंपनी बनाने के बाद हमको काम क्या है, तो लेजर्स बनाना। क्या बनाना, लेजर्स। और ये जो लेजर्स बनाएंगे तो किस में बना सकते हैं, ट्वाइस इज योर्स। आप सिंगल लेजर बनाना चाहते हैं सिंगल लेजर्स बनाइए, मल्टी लेजर्स बनाना चाहते हैं मल्टी लेजर्स में। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मल्टी लेजर्स को बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टी लेजर्स को बना लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, मल्टी लेजर्स को बनाएंगे, किसको बनाएंगे, मल्टी लेजर्स। मल्टी लेजर्स में सबसे पहला क्या चीज था बता सकते हैं आप लोग, कैपिटल था, ठीक है। ये कैपिटल किसके अंदर आ गई, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग अमाउंट अमाउंट नहीं दे रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या खरीद रहे हैं हम लोग, लक्स खरीद रहे हैं, लक्स क्या कर रहे हैं, परचेस, लक्स परचेस किए तो इसके अंदर आ जाएगा, परचेस अकाउंट के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, परचेस। उसके बाद क्या कर रहे हैं, डव खरीद रहे हैं, डव पी, ये किसके अंदर आ जाएगा, ये भी परचेस के अंदर आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, परचेस अकाउंट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद किसके आ जाएगा, निरमा, निरमा किसके अंदर आ जाएगा, ये भी परचेस इनकम। तो यहाँ पे निर्मा को पी देना है, पी से इंडिकेट होता है हमारा, क्या होता है, पी से, पी का मतलब होता है परचेज, है ना, निर्मा पी, ये भी परचेज अकाउंट हो गया। कैरिंग कॉस्ट है क्या, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट है हमारा, कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद क्या है, जो सामान हम खरीदे उसको सेल्स कर देते हैं, क्या करते हैं, जो भी हम सामान खरीदे उसको सेल्स भी कर देते हैं। चलिए लक्स कर देते हैं, लक्स एस किसके अंदर कर देते हैं, सेल्स अकाउंट के अंदर। तो आप ध्यान दीजिएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर करती है, ना। उसके बाद डब को भी हम सेल्स कर देते हैं, डब, डब एस, ये भी किसके अंदर कर देते हैं, सेल्स अकाउंट के अंदर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निर्मा को भी सेल्स कर देते हैं, निर्मा एस, इसको भी सेल्स अकाउंट से कर दिए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, रूम रेंट, तो रूम रेंट की बात कर लेते हैं, चलिए रूम रेंट की बात कर लिए, ये भी हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, किसके अंदर हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। हमने लेजर बना लिया, लेजर बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लिए, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे, सबसे पहला चीज है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर अगर स्टॉक कैटेगरी नहीं है तो स्टॉक कैटेगरी को हम लोग लाएंगे, लाएंगे क्या करके, फीचर्स में जाके F11 को प्लेस करेंगे, किसको, F11 को हम लोग प्लेस करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, अकाउंट एंड फीचर्स में, यानी जाके कहाँ पे जाना हो, इन्वेंटरी फीचर्स में, किसमें जाना है, इन्वेंटरी फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखिए स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस के अंदर में, किसके अंदर, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशंस के अंदर मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज दिखा हुआ होगा, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज है, वहां पे आकर हम लोग क्या करेंगे, यस कर देंगे, क्या कर देंगे, यस कर देंगे। तो जैसे ही आप यस कीजिएगा तो हमारा क्या होगा, इसके ऊपर के देखेंगे इन्वेंटरी के अंदर हमारा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर आ जाएगा, आ गया सारा चीज। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, एक तो स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स ऑफ मेजर्स की बात करें। सबसे पहले तो हम लोग यूनिट्स ऑफ मेजर्स को बना लेते हैं। यूनिट्स मेजर में क्या है, पी सी एस है, और हम इसका फॉर्मल नेम नहीं दिए, राइट,
एक्सेप्ट हो गया। एक क्या है, बॉक्स है, क्या है, बॉक्स है, इसको भी हमने नहीं किया, ये हो गया। अब यहां से हमको क्या करना है कि बॉक्स को पीसेस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, पीसेस में। तो इसके लिए क्या करना होगा, कंपाउंड खोलना होगा, कंपाउंड के लिए क्या करना होगा, बैक स्पेस करना होगा, बैक स्पेस को दबाइएगा तो कंपाउंड खुल जाएगा टाइप्स ऑफ यूनिट्स में। यहां से हम कंपाउंड ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे रोकी से और इंटर मारेंगे, यानी कि बॉक्स पहला यूनिट जो होगा बॉक्स, और एक बॉक्स में कितना रहता है पीसेस, 12 पीसेस हमने दे दिया। अगर यहाँ पे पीसेस अगर देते और वन बॉक्स देते तो आएगा, नहीं आता, क्योंकि हमने क्या किया, बॉक्स के अंदर 12 पीसेस हमने बना लिया, क्या बना लिया, यूनिट्स ऑफ मेजर्स बना लिया। अब यहां से हम लोग एस्केप कर देंगे, यहां पे आएंगे, अब स्टॉक ग्रुप्स में आएंगे, किस में आएंगे, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप क्या बनेगा, एसओपी शॉप, ये अंडर किसके अंदर आएगा, ये जो आएगा स्टॉक ग्रुप किसके अंदर आएगा, शॉप के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक कैटेगरीज को क्रिएट करना है, क्या करना है, स्टॉक कैटेगरीज क्या। अब स्टॉक कैटेगरी को बनाने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज जरूरी है, एक बात और एक वास्तव। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं, स्टॉक ग्रुप शॉप ही है ना, एसओपी शॉप बना लिया और अंडरग्राउंड कुछ नहीं, प्राइमरी दे दिया है ना, अंडर के अंदर कुछ नहीं दिया, यहां से एक्सेप्ट कर लिया ग्रुप के अंदर, राइट। अब हम लोग स्टॉक कैटेगरी बना लेते हैं, स्टॉक कैटेगरी में क्या है, एक तो बात है, ठीक है, और एक क्या है, वाश, एक बात है एक वाश आ गया, ठीक है। हम लोग शॉप रख दिया स्टॉक ग्रुप, अब बनाना स्टॉक आइटम, क्या बनाना हमको, स्टॉक आइटम। अब यहां पे ध्यान देना है आपको, यहां पे देना है लक्स, LUX लक्स, ये जो लक्स था शॉप अंडर किसके अंदर आया, कैटेगरी का, शॉप के अंदर आना चाहिए, और ये जो लक्स किसके अंदर है, बात, बात दिए, ये क्या है, बॉक्स ऑफ 12 पीसेस, इसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करना है, बॉक्स ऑफ 12 पीसेस, किसको सिलेक्ट करना है, बॉक्स ऑफ 12 पीसेस, देख रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहां सेलेक्ट कर लिए, और यहां से आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, लक्स हो गया आपका। अब डब की बात आती है, किसकी बात आती है, डब की बात आती है, ये अंडर, ये भी शॉप के अंदर आएगा, अंडर शॉप के अंदर है, मगर ये भी बात का है, ये भी नंबर ऑफ बॉक्स उतना ही रहेगा। अब चलते हैं निर्मा की बात करते हैं, किसके, निर्मा की बात करते हैं। अब निर्मा में देखिए शॉप है, इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, वाश, ये भी नंबर ऑफ बॉक्स क्या है, हमने क्या बना दिया, स्टॉक कैटेगरी बना दिया, स्टॉक आइटम बना दिया, मेजर ऑफ यूनिट्स बना दिया, और स्टॉक ग्रुप्स बना दिए, सारा चीज बन गया। अब यहाँ पे हम एस्केप कर लेते हैं, एस्केप करके हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो F6 ले लीजिए, पैसा लेना है हमको, है ना, बिजनेस करने के लिए पैसा लेना, कैश, कैपिटल, कैपिटल कितना लेना है आपको, 5 लाख आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, ले लेना। आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम जब स्टॉक ग्रुप्स बना लेंगे ना, तो स्टॉक ग्रुप्स का मतलब है कि अगर हम परचेस कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं तो एक ही रो के अंदर सारा चीज हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हम परचेज कर रहे हैं तो यानी कि परचेज एंट्री करें, ऑफलाइन कर दिए आपको, हमें है ना सप्लाई इनवॉइस को छोड़ दे, डेट छोड़ देते हैं, पार्टी अकाउंट नंबर केस है ना, यहाँ पे केस कर दिए। अब यहाँ पे लेजर, यहाँ पे बोल रहा है डब, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे डब, यहाँ लक्स निर्मा, सबसे पहले हम लोग क्या किए, लक्स कर दे, क्या कर दे, लक्स कर दे, ठीक है। ये लक्स को जो खरीदे, आप बताइए क्वांटिटी कितना पीस है, कई पीस खरीदे हम लोग, या बॉक्स कितने बॉक्स खरीदे, 100 बॉक्स आ गया, देखो 100 बॉक्स, रेट कितना था, 1000 रेट, देखो ऑटोमेटिक आ गया वहां पे, 1 लाख देखो यहाँ पे आ गया है, यानी कि 100 बॉक्स करते हैं, रेट हमने दिया 1 लाख रुपया आ गया, यहां से हम लोग एक्सेप्ट कर लिए। अब हम क्या करना, परचेस क्या करना है, क्या परचेस करना है, डब को, डब को कितना, कितना बॉक्स, 100 बॉक्स, रेट कितना, 1100 आ गया। चलिए अब क्या परचेज करना है हमको, फिर निर्मा, निर्मा कितना, 100 बॉक्स, इसका भी रेट 1200 आ गया। अब F5 करके हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कैश ले लिए, उसके बाद पेमेंट किए, कैरिंग कॉस्ट, क्या कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है बाबू, 1000 है, 1000 दे दीजिए। अब जब पेमेंट कर रहे हैं तो इसी पीरियड में हम क्यों ना सैलरी स्टाफ कॉस्ट भी दे देते हैं, रूम रेंट भी दे देते हैं, रूम रेंट कितना था, 1000 देखिए हम एक्सेप्ट कर लिया। अब बात आती है सेल्स की, किसकी बात आती है, सेल्स की बात आती है, तो हम लोग सेल्स में क्या करेंगे, F8 करेंगे, क्या करेंगे, F8 यहाँ क्लिक करेंगे, और सेल्स कर रहे हैं क्या चीज कर रहे हैं, देखिए समझिएगा, पहले तो हम लक्स को सेल्स कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, लक्स को सेल्स कर रहे हैं, लक्स को कितना सेल्स कर रहे हैं, 70.5,
आ गया देखो 70 बॉक्स, 15 6, हम तो 5 दिए थे ना, मगर 6 आ गया, 24 हो गया। रेट कितना के हिसाब से? 1300 के हिसाब से रेट देखो तो इतना आया था क्या? 96,650 रुपया, ठीक है, वेरी गुड, एक्सेप्ट कर लीजिए यहां से। उसके बाद हम सेल्स क्या करना है, डब करना है, यहां से हम डब ले लिए, कैपिस करना है इसको 80.5, रेट 1400, रेट आया था 1,12,700 आप लोग का, हाँ? इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। अब सेल्स क्या करना है हमको, निर्मा निर्मा 92 बॉक्स ही पॉइंट नहीं है इसमें, चलो रेट 1600 इतना आया था, चलो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जब हो जाए हमारा, तो हमारा काम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, बैलेंस शीट देखना। एस्केप करके कहां पे आ जाइए, गेटवे ऑफ पहले में आ जाइए, आ गए। यहां से पी देख लीजिए, सेल्स अकाउंट 3,51,550 है, परचेज है 3,30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है 60,550 रुपया, ग्रोस हटाया गया इसमें 1,000 है, अब ग्रोस प्रॉफिट निकला है 81,100, क्या सही है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1,000 है, नेट प्रॉफिट कितना 80,100 है या 8,100? 80,100 है ना। और बैलेंस शीट देखिए, तो बैलेंस शीट 5,80,100 निकला है क्या? 5 लाख का बिजनेस था, 80,100 तो हमारा बेनिफिट होगा, ये तो होना ही है ना, सियोर है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा, एक तो स्टॉक कैटेगरी को कैसे हमको लाना है, स्टॉक ऑफ यूनिट्स को कैसे बनाना है, यूनिट्स ऑफ स्टॉक ऑफ यूनिट्स बन जाने के बाद हम कंपाउंड को कैसे बनाते हैं, कंपाउंड में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, बॉक्स को पीसेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके बाद स्टॉक कैटेगरी कैसे बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप कैसे बनाते हैं और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, जो गौर से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया, लेजर्स बनाया, लेजर्स बनाने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजर बनाया, एक बॉक्स का एक पीसेस का, उसके बाद बनाने के बाद वहां से बैक स्पेस करते हैं, कंपाउंड जाते हैं, कंपाउंड में पहला कन्वर्शन जो होगा वो बॉक्स होगा, सेकंड कन्वर्शन 12 पीस बन गया, एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या किए, स्टॉक ग्रुप्स बनाए, स्टॉक ग्रुप्स में सिर्फ सॉफ्ट रखेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग निर्मा जाएंगे, स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे, स्टॉक कैटेगरी में एक वास बनाएंगे और एक बात बनाएंगे, एक्सेप्ट करके आ जाएंगे। उसके बाद जब हम लोग स्टॉक आइटम बनाएंगे तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वहां देना है। स्टॉक आइटम में जैसे निर्मा लिए, पहले लक्स लिए, लक्स के बाद हम उसके अंदर में आएगा शॉप, शॉप के अंदर में आएगा कैटेगरी, कैटेगरी में क्या है, बात है या वास है, उसके बाद बॉक्स ऑफ नंबर्स, ठीक है, आएगा, आने के बाद उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद वाउचर एंट्री करना है, जब पॉइंट की बात आ जाएगी, जब वाउचर एंट्री करेंगे तो पॉइंट में देना है, तो पॉइंट में मतलब क्या, 70.5 पॉइंट दीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट कर लेगा, एक बॉक्स में अगर 12 पीस था तो 5 दिए हैं तो बेचे हैं तो कितना हो, 6 पीस हो जाएगा, तो देखिए वो 70.6 पीस दिखा दिया था ऑटोमेटिक, रेट भी कन्वर्ट कर देगा। तो अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है इन फ्यूचर्स, तो आप लोग क्या करें, कम से कम यूट्यूब में जरूर देख लें हमारा चैनल, और हम बहुत ही साधारण सिंपल तरीका से पढ़ाते हैं, यानी कि बहुत अस्थिर से और बारीकी से, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, देहाती भाषा में, ये हम लोग क्या है, देहाती, ठीक है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इसी प्रकार की कंप्यूटर क्लासेस डेली बेसिस पे आप सभी को मिलते रहेंगे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, खुश रहें आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा, आपका सांसद, जय हिंद जय भारत।